बचाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। पार्टिसिपेंट्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर 10। एक्चुअली इट गॉट लेट क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई इशू आ रहा था, इसकी वजह से सब कुछ लेट हो गया। आप हमको लिंक सेंड करना भी लेट हो गया डेस्क पर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में बच्चों हम लोगों ने बात की थी अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी। बहुत डिटेल में बात की थी कि किस तरीके से इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी जो है वो साइन एंड सिम्टम्स को पेन का ऑनसेट क्या होता है, पेन का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, आफ्टर इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी। और हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया था, सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन। और इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल फाइंडिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद लंबर स्पाइन और इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ द लंबर स्पाइन, ठीक है। नाउ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर, दिस लेक्चर इज कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस lecture. I am going to share the screen with you people. Okay, so let's start with today's lecture. Now we are going to learn about what is the pathomechanical relationship of intervertebral disc pathology with the associated structures such as facet joints. Okay, अच्छा अब हमने क्या बात करनी है कि अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा इनटू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, लेट्स से वर्टिब्रल बॉडीज के ऊपर। अगर हम बात करें, हम लिगामेंटस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, हम कैप्सूल पर बात करें, ठीक है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर की, या हम फेसर ज्वाइंट के ऊपर बात करें, ठीक है, दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स दैट आर प्रेजेंट देयर फॉर ग्लाइडिंग पर्पस, ठीक है। आप सबको पता है हम लोग ने जब शुरू में स्पाइन स्टार्ट की थी, हम लोग ने बात की थी कि फेसर जॉइंट्स जो हैं ये ग्लाइडिंग को प्रमोट करते हैं। आपकी जितने भी मूवमेंट है, ठीक है, वो एक्चुअली डिपेंड कर रही होती है फेसर जॉइंट्स की ग्लाइडिंग के ऊपर, क्योंकि एक्चुअली ये डायरेक्ट करते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं मूवमेंट को, ठीक है, कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में होना। तो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रिलेशनशिप ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क विद द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर सच एज फेसर जॉइंट्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक्चुअली वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब भी आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट होती है, तो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी क्या करती है, आपके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को, फॉर एग्जांपल हमने बात की थी एक मोशन सेगमेंट की, मोशन सेगमेंट में आपके पास दो वर्टिब्रल बॉडीज हैं और एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अब वो कहते हैं कि जैसे ही ये जो दो वर्टिब्रल बॉडीज में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, अगर इसमें कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन स्टार्ट होती है, ठीक है, किसी भी किस्म की पैथोलॉजिकल कंडीशन, वो टाइप्स डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, प्रोट्रूजन हो सकती है, प्रोलैप्स हो सकती है, हर्निएशन हो सकती है, एक्सट्रूजन हो सकती है, या सीक्वेस्ट्रेशन हो सकती है, इनमें से कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर क्रिएट होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, तो वो कहता है कि आपका पूरे का पूरा मोशन सेगमेंट क्या करता है, इन्वॉल्व हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पैथोलॉजी है, तो सिर्फ इंटरवर्टिब्रल डिस्क ही इन्वॉल्व है या उसी के अंदर सारी पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रही है। एक्चुअली क्या बात कहना चाह रहा हूँ कि इसके साथ जो आपका आपके ऊपर वाला वर्टिब्रा है और नीचे वाला वर्टिब्रा है, ये दोनों वर्टिब्रल बॉडीज दे गेट इन्वॉल्व, ठीक है, विद इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी। अब वो कहते हैं कि किस तरीके से इन्वॉल्व करता है आपको ऊपर वाला और नीचे वाला वर्टिब्रा, ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि किस तरीके से जी ऊपर वाला वर्टिब्रा। अब ऑब्वियसली ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इसका क्या काम है कि इसने जो ऊपर वाले वर्टिब्रा से जितनी भी फोर्सेस बेयर आ रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर, इसने उन फोर्सेस को क्या करना है,
स्प्रेड करना है, ठीक है, इक्वली स्प्रेड करना है ऑन टू द लोअर वर्टिब्रा, ठीक है, सही है, ऐसे ही है ना। इंटरवर्टेब्रल डिस्क का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, उसमें वेट को जो वो बेयर कर रही है उसने क्या करना है, उसने उसको इक्वली स्प्रेड करना है ऑन टू द लोअर वर्टिब्रा। नाउ इफ द इंटरवर्टेब्रल डिस्क इज डैमेज्ड, और अगर उस इंटरवर्टेब्रल डिस्क में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हो गई है, तो अब वो वेट को इजिली ट्रांसफर नहीं कर सकेगी या वो इक्वली ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। इससे क्या होगा, जब वेट इक्वली ट्रांसफर नहीं होगा तो एसिमेट्रिकल फोर्सेस प्रोड्यूस होती है। एसिमेट्रिकल फोर्सेस का मतलब क्या है कि वही जो वेट बेयरिंग की फोर्स ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था ऑल अराउंड द इंटरवर्टेब्रल डिस्क एंड देन ऑन टू ऑल अराउंड द वर्टेब्रल बॉडी, जो ब्लो वर्टेब्रल बॉडी के ऊपर उसने ट्रांसमिट होना था, अब वो क्या कर रहा है, अब वो फोर्स क्या कर रही है, वो किसी एक जगह पे किसी एक डायरेक्शन में, लेट्स से एंटीरियर पोर्शन के ऊपर, लेट्स से लेटरल पोर्शन के ऊपर, या लेट्स से पोस्टीरियर पोर्शन के ऊपर, अब वो वेट क्या हो रहा है, एसिमेट्रिकली ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। लेट्स से जैसे हम लोग सिंपल से एक बात करते हैं कि वन लेग स्टैंडिंग, जो लोग ज्यादातर एक टांग के ऊपर खड़े होते हैं उनमें क्या आना शुरू हो जाती है, एसिमेट्री प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ऐसे ही है ना बच्चों? जी फादर साहब, यस सर, ठीक है। सो इसी तरीके से आपके इंटरवर्टेब्रल डिस्क में अगर जब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी तो एसिमेट्रिकल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, जब एसिमेट्रिकल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी और वो ट्रांसमिट होंगी ऑन टू द लोअर वर्टिब्रा, तो एक्चुअली क्या होगा कि वो जो मोशन सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, मैलअलाइंड हो जाएगा, ठीक है, या वो पूरे का पूरा मोशन सेगमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा इस एसिमेट्री के अंदर, ठीक है। अब देखो इशू कहां पर था, इंटरवर्टेब्रल डिस्क पैथोलॉजी में, लेकिन दैट इज गोइंग टू ट्रांसफर ऑन टू द वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है, एंड इज गोइंग टू इन्वॉल्व द होल वर्टिब्रल सेगमेंट। अच्छा, जब वो होल वर्टिब्रल सेगमेंट को या होल वर्टिब्रल मोशन सेगमेंट को जब उसने इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो अल्टीमेटली उस मोशन सेगमेंट में जितने भी टिश्यूज हैं जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, लेट्स से कि जी एसिमेट्रिकल फोर्सेस जो थी वो ट्रांसमिट हो गई ऑन टू द एंटीरियर साइड, ठीक है। जब एसिमेट्रिकल फोर्सेस एंटीरियर साइड के ऊपर ट्रांसमिट हो गई तो फिर क्या हुआ, किन टिश्यूज ने उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, किन टिश्यूज ने प्रिवेंट किया कि जी एंटीरियरली स्लिपेज ना हो, वर्टिब्रल सेगमेंट्स जो हैं वो एंटीरियरली ना जाए, ऑब्वियसली जो पोस्टीरियर कैप्स्यूल्स होंगे या पोस्टीरियर लिगामेंट्स होंगे उनके ऊपर नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स हैं, कैप्स्यूलो लिगामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, उन्होंने एक्चुअली क्या करना है, उन्होंने उस एंटीरियर एसिमेट्रिकल फोर्स को प्रिवेंट करना है कि वो मोशन सेगमेंट को मैलअलाइंड ना होने दे, ऐसे ही है ना बच्चे? जी, ठीक है। सो वो जो पोस्टीरियर कैप्सुलर लिगामेंटल स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या करना शुरू कर देंगे, स्ट्रेच होना शुरू कर देंगे, अपने लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच होंगे, और जब वो अपने लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच होंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा कि आपके जो कैप्स्यूल्स हैं लिगामेंट्स हैं इनके ऊपर स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा, इनके स्ट्रेन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, लिगामेंट का स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, कैप्स्यूल जो है उनमें मैक्सिमम स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर मोबिलिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। जब कैप्स्यूल कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच में रहेगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो ज्वाइंट है वो हाइपर मोबिलिटी में जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन सब चीजों की बात क्या होगा कि आपका जो फेसेट जॉइंट है इटसेल्फ, ठीक है, उस फेसेट जॉइंट के ऊपर थ्री एसिमेट्रिकल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी, क्यों, क्योंकि वो भी मोशन सेगमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। लेट्स से जब वो एक मोशन सेगमेंट इन्वॉल्व हुआ तो उसने सिर्फ ये नहीं करना कि उसने सिर्फ वर्टिब्रल बॉडीज को इफेक्ट करना है या इंटरवर्टिब्रल जॉइंट को इफेक्ट करना है, उसमें एज अ होल इफेक्ट होना है, क्योंकि वर्टिब्रा का पोर्शन है फेसर जॉइंट की आर्टिकुलर सर्फेस, ऊपर वाले वर्टिब्रा के आर्टिकुलर सर्फेस, नीचे वाले वर्टिब्रा के आर्टिकुलर सर्फेस मिलकर फेसर जॉइंट बना रही है, तो जब वो पूरे का पूरा मोशन सेगमेंट में एसिमेट्रिकल फोर्सेस प्रोड्यूस हुई है
अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करेंगे? आपके फेसेट ज्वाइंट को भी इफेक्ट करेंगे उस मोशन सेगमेंट के। तो जब वो फेसेट ज्वाइंट इन्वॉल्व होगा फिर आपके पास ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से पेन प्रोड्यूस हो, ठीक है? So that is why this is a relationship between the intervertebral disc pathology and the facet joint. Okay, this is a pathomechanical relationship. KG pathological condition create prehab kiske andar intervertebral disc pathology ke andar. Okay, lekin ultimately kya hua hai ki aapke mechanically usne kisko destroy karna shuru kar diya hai, mechanically usne kisko asymmetrize karna shuru kar diya hai, that is the facet joint. Okay. या फेसेट ज्वाइंट के ऊपर उसने क्या करना शुरू करती है, ऐसी फोर्सेस क्रिएट करना शुरू करती है जो कि एक्चुअली फेसेट ज्वाइंट को उसके नॉर्मल फंक्शन से हटा रही है। तो दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी एंड द एसोसिएटेड फेसेट ज्वाइंट। समझ आ गई बेटा? जी सर। ठीक है। यस सर, आ गई सर। जी सर। अच्छा, अब स्टार्ट करने लगे हैं जिस तरीके से इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन स्टार्ट होती है। लेट्स से प्रोलैप्स है, ठीक है, एक्सट्रूजन है, सिक्वेस्ट्रेशन है, अल्टीमेटली इंटरवर्टिब्रल जब न्यूक्लियस पल्पोसेस टियर अप, न्यूक्लियस पल्पोसेस आउट हो गया फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जब उसने एनुलस फाइब्रोसिस को टियर कर दिया, एनुलस फाइब्रोसिस का कंप्लीट रेडियल टियर हो गया है और न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर आ गया, तो अब इसका मतलब क्या है कि उस इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइड्रोस्टैटिक मैकेनिज्म्स क्या हो गए, लॉस हो गए। पहले जब उसके ऊपर वेट पड़ता था तो वो क्या करता था, न्यूक्लियस पल्पोसिस वेट को शिफ्ट करता था ऑन टू द लोअर वर्टिब्रा इक्वली, क्योंकि न्यूक्लियस पल्पोसिस इंटैक्ट था, एनुलस फाइब्रोसिस इंटैक्ट था। लेकिन अब क्या हुआ है कि रेडियल टियर की वजह से न्यूक्लियस पल्पोसेस जो है वो एक्सट्रूड हो गया या सिक्वेस्ट्रेशन हो गई है या प्रोलैप्स हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ है कि न्यूक्लियस पल्पोसेस जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियस पल्पोसेस का वो नहीं हो सकेगा, वो इफेक्ट में नहीं आ सकेगा, ठीक है? और जब वो नहीं आएगा इफेक्ट में तो अल्टीमेटली इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट में क्या आना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जब वो वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा या न्यूक्लियस पल्पोसेस वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वहां के जो न्यूक्लियस पल्पोसेस के प्रोटियोग्लाइकन्स हैं वो भी वाटर की एफिनिटी लूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है? क्योंकि न्यूक्लियस पल्पोसेस इटसेल्फ क्या हो गया, लूज हो गया, उसका लॉस हो गया न्यूक्लियस पल्पोसेस का, ठीक है? तो जब वाटर को अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट आना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट कम होगी तो अल्टीमेटली जो ऊपर वाला वर्टिब्रा है और नीचे वाला वर्टिब्रा है ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, करीब हो जाएंगे, करीब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो अंदर वाला स्ट्रक्चर था जिसने एक्चुअली इन दोनों को अपार्ट रखा हुआ था, ये सेफ डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ था, अब क्योंकि वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क अंदर से डैमेज हो गई है या इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट कम हो गई है तो अल्टीमेटली ये दोनों वर्टिब्रल बॉडीज क्या करेंगे, एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये वर्टिब्रल बॉडीज एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट होंगी तो अल्टीमेटली आपका फेसेट ज्वाइंट जिसका काम ग्लाइडिंग करना है उस फेसेट ज्वाइंट के ऊपर क्या आना शुरू हो जाएंगे, कंप्रेसिव फोर्सेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अब वो फेसेट ज्वाइंट इटसेल्फ क्या करना शुरू कर देगा, वेट बेयरिंग के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब वो फेसेट ज्वाइंट इटसेल्फ क्या होना शुरू हो जाएगा, वेट बेयरिंग के तौर पे ही होगा, वेट बेयरर। हालांकि उसका काम ये नहीं है, उसका काम क्या है कि उसको डायरेक्ट करना है ग्लाइडिंग को कि जी ग्लाइडिंग में इस डायरेक्शन में होना है, उसका काम ये नहीं है कि उसने वेट को बेयर करना। अल्टीमेटली जब वो वेट को बेयर करेगा तो उसके ऊपर क्या आना शुरू होंगे, कंप्रेसिव फोर्सेज आएंगी। जब वो वेट बेयर करेगा वही कंप्रेसिव फोर्सेस उसको क्या करेंगी, डैमेज करना शुरू कर देंगी, क्योंकि वो साइनोवियल आर्टिकुलेशन है, ठीक है, फेसेट जॉइंट। अब फेसेट जॉइंट अगर साइनोवियल आर्टिकुलेशन है तो साइनोवियल आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, इट बिहेव जस्ट लाइक अ नॉर्मल जॉइंट जो कि हमारी एक्सट्रीमिटीज के अंदर है जिसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज भी है, ठीक है, जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन भी है, साइनोवियल फ्लूइड भी है।
तो अल्टीमेटली जब आर्टिकल कार्टिलेज के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगी, एबनॉर्मल फोर्सेस क्रिएट होंगी, ठीक है, तो आर्टिकल कार्टिलेज की डिजनरेशन स्टार्ट होगी. जब आर्टिकल कार्टिलेज की डिजनरेशन स्टार्ट होगी तो इट मीन्स के डिजनरेटिव ज्वाइंट डिजीज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी फेसेट ज्वाइंट में, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है. जब आर्टिकल कार्टिलेज ब्रेक डाउन होगा तो एक्चुअली क्या होगा, फेसेट ज्वाइंट की आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. और विद द पैसेज ऑफ टाइम वही फेसेट ज्वाइंट में ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से आपके लिपिंग होना स्टार्ट हो जाती है. वो ऑस्टियोफाइट्स फेसेट ज्वाइंट्स में भी बनेंगे, वो ऑस्टियोफाइट्स आपके वर्टिब्रल बॉडीज में भी बनेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्टिब्रल बॉडीज के ऊपर भी क्या आना शुरू हो गई है, कंप्रेसिव फोर्सेस आना शुरू हो गई है. और वर्टिब्रल बॉडीज जो होती है वो पोरस बोन की बनी हुई होती है, कंसीलियस बोन की आप कह लो, तो वो जो कंसीलियस बोन है, ठीक है ना, ये तो वो एक्चुअली क्या है, वो पोरस बोन है, उसके ऊपर जैसे ही फोर्सेज आती है वो अपने आप को क्या करना शुरू कर देती है, डिग्रेड करना शुरू कर देती है, ठीक है, और उसकी लिपिंग स्टार्ट हो जाती है, ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो वो कहता है कि इनिशियली क्या चेंजेस आएंगी, जैसे मैंने पहले बात की है कि जैसे ही आपके एबनॉर्मल फोर्सेज या एसिमेट्रिकल फोर्सेज प्रोड्यूस होती हैं, आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस में जाना शुरू हो जाते हैं, हाइपर मोबिलिटी में जाना शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो एबनॉर्मल फोर्सेज क्या कर रही है, किसी एक डायरेक्शन में कंसेंट्रेट हो रही है, इसकी वजह से बाकी जितना भी सराउंडिंग कैप्सुलर लिगामेंट का स्ट्रक्चर है वो उसको उस एसिमेट्रिकल फोर्स को प्रिवेंट कर रहा है कि भाई हमें इस डायरेक्शन में ना खेचो, ठीक है. तो जब अल्टीमेटली वो ही जो कैप्सुलर लिगामेंट के स्ट्रक्चर है वो उस डायरेक्शन में उसको प्रिवेंट करेंगे उस डायरेक्शन से, तो उनके ऊपर क्या आना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेचेज आना शुरू होंगे. तो वही जो स्ट्रेचेज है वो एक्चुअली क्या करें, हाइपर मोबिलिटी क्रिएट करें, ठीक है, विद इन अ स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है. फिर सेकेंडली वो कहते हैं कि जैसे ही हाइपर मोबिलिटी के बाद, जैसे मैंने पहले बात की है कि जैसे फेसर ज्वाइंट्स के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही और वही कंप्रेसिव फोर्सेज एक्चुअली आर्टिकुलर कार्टिलेज को डीजनरेट कर रही है या डिग्रेड कर रही है या ब्रेक डाउन कर रही है, तो फिर क्या होगा, फिर अल्टीमेटली इंफ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. तो ये आर्थराइटिस इज इट्स अ इंफ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स एंड द आर्टिकुलर कार्टिलेज. तो जब जॉइंट के अंदर इंफ्लेमेशन स्टार्ट होगी तो अल्टीमेटली वो इंफ्लेमेशन जो है वो मसल स्पैज़म प्रोड्यूस करेगी, पेन प्रोड्यूस करेगी. इंफ्लेमेशन पेन प्रोड्यूस करे या इंफ्लेमेशन डायरेक्टली मसल स्पैज़म प्रोड्यूस करे, दैट इज बोथ रेलेवेंट, ठीक है. अच्छा, इंफ्लेमेशन पेन प्रोड्यूस करे और पेन की वजह से मसल स्पैज़म हो तब भी इट इज रेलेवेंट, ठीक है. तो अब क्या होगा कि जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं मसल्स, ठीक है, वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, स्पैज्म में जाना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू इंफ्लेमेशन और ड्यू टू पेन. फिर जो मसल कंट्रोल है, ठीक है, वो ऑल्टर्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. अब वो कहते हैं ऑल्टर्ड मसल कंट्रोल क्या होता है, अब सिंपल सी बात है बेटा, जिस जिस ज्वाइंट में इश्यूज क्रिएट हुए हैं, ठीक है, तो मसल्स की क्या एक्टिविटी वैसी रहती है जो वो एक नॉर्मल ज्वाइंट में प्रोड्यूस या वो नॉर्मल ज्वाइंट में एक्टिव होते हैं, क्या वो वैसे एक्टिव हो सकते हैं? जी बच्चे, नो सर. क्यों? क्योंकि देखो एक नॉर्मल ज्वाइंट है, नॉर्मल ज्वाइंट से नॉर्मल सेंसेस जा रही है, नॉर्मल इनपुट जा रहा है, तो उस इनपुट के अकॉर्डिंगली ही मसल ने क्या होना है, एक्टिव होना है. अब एक एबनॉर्मल ज्वाइंट है जहां से सिर्फ कौन सा इनपुट जा रहा है, पेन का इनपुट जा रहा है, ठीक है, मूवमेंट ना परफॉर्म करने का या मूवमेंट इनिशिएट ना करने का सेंसरी इनपुट जा रहा है. तो जब मूवमेंट ना परफॉर्म करने का, क्यों? क्योंकि दैट इज एसोसिएटेड विद पेन. जहां पर पेन हो वहां पर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है. अब जहां पर पेन है तो वही ज्वाइंट्स क्या करें, मूवमेंट परफॉर्म ना करने का कह रहे हैं, और अल्टीमेटली आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, मसल्स को इनएक्टिव करता जा रहा है, ठीक है. अब मसल्स में वो एक्टिविटी या वो टॉन नहीं रही कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके उस स्पेसिफिक वर्टिब्रल सेगमेंट को या मोशन सेगमेंट को, ठीक है. सेकेंडली वो कहते हैं कि जो पेन इटसेल्फ है वो भी एक्चुअली मसल्स के कंट्रोल को ऑल्टर कर देती है या मसल के रिक्रूटमेंट को ऑल्टर कर देती है.
लेट्स से कि पेन की एब्सेंस में अगर 100 में से 100 फाइबर्स एक्टिवेट हो रहे थे तो पेन की प्रेजेंस में 100 में से 50 फाइबर्स क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे और रिक्रूट करेंगे. ठीक है, व्हाई दिस इज सो, बिकॉज कि आपका जो नर्वस सिस्टम है या जो पैसेज वे है, ठीक है, उसमें पेन ट्रेवल कर रहे थे. ठीक है, जिसकी वजह से हाफ जो नर्व फाइबर्स है वो किसके लिए यूज होना शुरू हो जाएंगे, मसल एक्टिवेशन के लिए. That is why pain is also an important factor. ठीक है, फिर उसके अलावा वो कहते हैं कि जो ऑस्टियोलिगामेंटल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले बात की कि ऑस्टियोलिगामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो एसिमेट्रिकल फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, उस फोर्स को वो प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वही ऑस्टियोलिगामेंट क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच्ड हो रहे हैं. ठीक है, और उसी स्ट्रेचिंग की वजह से क्या हो रहा है, आपका वर्टेब्रल सेगमेंट जो है वो हाइपर मोबिलिटी में जा रहा है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोग्रेसिव बोनी चेंजेस. ठीक है बेटा, ये सारा सीक्वेंस है आपके पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क पैथोलॉजी विद द फेसर जॉइंट. ये रिलेशनशिप है बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मोशन सेगमेंट. ठीक है, इसको इसी तरीके से याद करने कि एक्चुअली हो क्या रहा है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हुआ क्या है जिसकी वजह से ये सारी चेंजेस आना शुरू हुई. पेन क्यों आना शुरू हुई, हाइपर मोबिलिटी क्यों आना शुरू हुई, मसल कंट्रोल ऑल्टर्ड क्यों हुआ. ठीक है, प्रोग्रेसिव बोनी चेंजेस क्यों डिवेलप हो रही. ठीक है, नाउ वो कहते हैं कि प्रोग्रेसिव बोनी चेंजेस, जैसे मैंने पहले बात की थी, फेसर ज्वाइंट्स के ऊपर वेट बेयरिंग होना शुरू हो जाएगी. जब फेसर जॉइंट के ऊपर वेट बेयरिंग होगी, आर्टिकुलर कार्टिलेज की डीजनरेशन होगी, जब आर्टिकुलर कार्टिलेज डीजनरेट करेगा तो अल्टीमेटली आर्थराइटिस की तरफ जाएगी कंडीशन. जब आर्थराइटिस होगा तो क्या होगा, ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाएंगे, लिपिंग होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, कॉन्टिनेंस इंफ्लेमेशन रहेगी. ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऑस्टियोफाइट बॉडी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, वर्टिकल सेगमेंट एज अ होल, मतलब कि उसमें जो स्केलेटल सिस्टम है वो भी आपका इफेक्ट हो रहा है, उसमें वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है, या वर्टिब्रा एज अ होल दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व, क्योंकि वो बोन है और बोन के ऊपर क्या आना शुरू हो गई है, नॉर्मल फोर्सेज आ रही है जिसकी वजह से ऑस्टियोफाइट्स बन रही है या लिपिंग्स बनना शुरू हो गई. अब वो कहते हैं कि ये वो स्टेज है जिसमें जो हाइपर मोबिलिटी है वो किस भी क्रिएट कन्वर्ट हो रही है हाइपो मोबिलिटी के अंदर. ठीक है, हाइपर मोबिलिटी कैसे हाइपो मोबिलिटी में क्रिएट हो रही है, क्योंकि देखो जहां पर ऑस्टियोफाइट्स बनते और स्पाइन का ये करेक्टर है कि जहां स्पाइन में ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं ना बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं यूजुअली ब्रिजिंग ऑस्टियोफाइट्स. या उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो ब्रिजिंग ब्रिज बना लेते हैं. मतलब क्या है, एक वर्टिब्रा जो है वो अपने साथ वाले ऊपर वाले या नीचे वाले वर्टिब्रा के साथ क्या बनाना शुरू कर देते हैं, ब्रिजिंग ऑस्टियोफाइट बनाना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो ब्रिजिंग ऑस्टियोफाइट बन रहे हैं ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उस मोशन सेगमेंट को जो कि पहले हाइपर मोबिलिटी में था उसको क्या करें, हाइपर मोबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं. ठीक है, अच्छा जब वो हाइपर मोबिलिटी में जाएगा तो अल्टीमेटली आप जो मसल्स की जो थोड़ी बहुत एक्टिवेशन रहती थी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जॉइंट इटसेल्फ जो है, ठीक है, या वो जो इंटरवर्टिब्रल वो जो मोशन सेगमेंट है वो इटसेल्फ क्या हो गया, स्टिफ हो गया. ठीक है, जब वो वर्टिब्रल मोशन सेगमेंट जो है वो स्टिफ हो गया तो अल्टीमेटली वहां पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सुपरफिशियल मसल्स हैं, जो कि डीप मसल्स हैं, कोर मसल्स हैं, उन सबकी एक्टिवेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई मूवमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है, हाइपोमोबिलिटी क्रिएट हो गई है. सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो फेसर जॉइंट्स हैं ये एक्चुअली आपके स्पाइनल केनाल को, ठीक है, और आपके इंटरवर्टिब्रल सेगमेंट्स को, ठीक है, नैरो डाउन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एनी अदर पार्टिकल या प्रेजेंस ऑफ एनी अदर टिश्यू, ठीक है, इन दी स्ट्रक्चर स्पाइनल केनाल और द इंटरवर्टिब्रल सेगमेंट, इट इज गोइंग टू नैरो डाउन दीज टू होल्स. ठीक है, अल्टीमेटली आपको फिर क्या पेशेंट को क्या कंडीशन स्टार्ट हो सकती है, माइलोपैथी की या रेटिकुलोपैथी की, ऐसे ही है ना बच्चों. जी सर, जी सर. अच्छा, तो जब
माइलोपैथिया रेटिनोपैथी स्टार्ट होगी तो अल्टीमेटली क्योंकि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा था, नर्वस सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा क्या होना शुरू हो जाएगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम में क्या हुआ है वो नर्व रूट जो इंट्रोवर्टिबल फोरम है ना वो क्रॉस कर रही है, ठीक है, वो नर्व रूट जो है वो क्या होना शुरू हो गई है, इंपिंज होना शुरू हो गई है, वो जाके आपके लंबो सेक्टर टैक्सिस को या ब्रेकियल टैक्सिस को एज अ होल क्या कर देगी, शट डाउन करना शुरू कर देगी। तो जब ब्रेकियल टैक्सिस शट डाउन होगा तो अपर एक्सट्रीमिटी काम करना छोड़ देगी, जब लंबो सेक्टर टैक्सिस शट डाउन होगा तो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी काम करना छोड़ देगी, ऐसे ही है ना बेटा, ठीक है। जैसे रेटिनोपैथी की हमने बात की थी कि डर्माटोमल पेन सेंसरी लॉस होगा और मायोटोमल वीकनेस क्रिएट होगी, ठीक है। नाउ सेगमेंटल इनस्टेबिलिटी, अल्टीमेटली जो है आपका पूरे का जो पूरा सेगमेंट है वो इनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, क्यों, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है दैट इज द मस्कुलर कंट्रोल, ठीक है, दैट इज द न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल। अब उस सेगमेंट में मस्कुलर कंट्रोल खत्म हो गया था, ठीक है, सही है, उसी सेगमेंट में वो कहते हैं न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल भी खत्म हो गया था, ठीक है, क्यों, क्योंकि पेन्स हैं, इंफ्लेमेशन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, तो वही जो अल्टीमेटली वो मोशन सेगमेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपर मोबिलिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। मींस टू से दिस इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कि जिस स्टेज के अंदर उस मोशन सेगमेंट में हाइपर मोबिलिटी में जाना है तो आपने वहां पर ट्राई नहीं करना कि आप उसकी हाइपो मोबिलिटी को, जो प्रीवियस स्टेज में हाइपो मोबिलिटी क्रिएट हो रही थी, आप उसकी हाइपो मोबिलिटी को मोबिलाइजेशन से ट्रीट करो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर मसल्स का कोई कंट्रोल प्रेजेंट नहीं है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इटसेल्फ जो है वो स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होती है या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब देखो ना, वहां पे आपका कैप्सुलर लिगामेंट स्ट्रक्चर रहा जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, ना आपका मस्कुलर कंट्रोल रहा, ना आपका न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल रहा, फेसर ज्वाइंट खुद डिस्ट्रॉय हुए हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिस्ट्रॉय हुई है, डैमेज हुई हुई है, वर्टिब्रल बॉडीज डैमेज हुई हुई है, तो क्या होगा कि जो मोशन सेगमेंट है वो जो एक मोशन सेगमेंट है स्पेसिफिक वो क्या किस में जाना शुरू हो जाएगा, इनस्टेबिलिटी में जाना शुरू हो जाएगा। बेटा बात की समझ आई है यहाँ तक? यस सर। नाउ कहते हैं कि एसोसिएटेड पैथोलॉजी क्या हो सकती हैं अलोंग विद दिस मैकेनिकल रिलेशनशिप, पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप। वो कहते हैं कि स्टेनोसिस द मोस्ट कॉमन रिलेटेड पैथोलॉजी विद इंटरवर्टिब्रल दिस, ठीक है, डैमेज और विद द फेसर जॉइंट डैमेज। वो कहते हैं कि नैरोइंग हो सकती है किसी भी कैनाल की या किसी भी इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। अच्छा, कैनाल, स्पाइनल कैनाल की अगर नैरोइंग हो तो उसको हम लोग सेंट्रल स्टेनोसिस बोल देते हैं, और अगर आपके इंटरवर्टिब्रल फोरामिना की नैरोइंग हो तो हम उसको बोल देते हैं लेटरल स्टेनोसिस, ठीक है। वो कहते हैं कि ये कंजेनिटल भी हो सकती है और ये अक्वायर्ड भी हो सकती है, ठीक है। कंजेनिटल मींस बाय बर्थ भी प्रेजेंट हो सकती है, और अक्वायर्ड मींस कि आफ्टर द बर्थ ड्यू टू एनी अदर टिश्यू डैमेज, ठीक है, जैसा कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क डैमेज हुई है तो उसकी वजह से लेटरल स्टेनोसिस भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये जो स्टेनोसिस है, ठीक है, ये आपके सिम्टम्स को इसमें जो मैंने पहले बात की थी माइलोपैथी की रेडिक्लोपैथी की, बेटा लास्ट लेक्चर में मैं बात की थी माइलोपैथी और रेडिक्लोपैथी की, जी बच्चों, yes. So, what is the major difference between myelopathy and radiculopathy? Participants, उठ जाएं। Sir, yes, myelopathy के अंदर inguinal area जो था उसका sensory loss होता था, और radiculopathy जो है उसमें muscle weakness होती थी। So, myelopathy is, ये जी आपके spinal cord damage होना शुरू हो जाए,
ठीक है, या स्पाइनल कॉलम की, स्पाइनल कैनाल की क्या हुई है, नैरोइंग हुई है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस आई हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज होना शुरू हो गया, दैट इज माइलोपैथी। रेडिकुलोपैथी इज के जी इंटरवर्टेब्रल फोरामिना नैरो डाउन हुआ है और नर्व रूट डैमेज होना शुरू हो गया, तो दैट इज कॉल्ड रेडिकुलोपैथी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि रेडिकुलोपैथी के डिफरेंट कॉजेज हैं, कि रेडिकुलोपैथी, देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी सिर्फ एक कॉज की वजह से नहीं क्रिएट हो सकती, कि जैसे हमने पहले बात की थी कि ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क की पैथोलॉजी है और इंटरवर्टेब्रल डिस्क की पैथोलॉजी में पोस्ट्रल लेटरल प्रोलैप्स हो गया है या एक्सट्रूजन हो गई है, तो उसकी वजह से इंटरवर्टेब्रल फोरामिना, क्योंकि पोस्ट्रल मीडियल जब होता है तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होती है, पोस्ट्रल लेटरल में क्या होती है, इंटरवर्टेब्रल स्टेनोसिस होती है या लेटरल स्टेनोसिस होती है। ठीक है, तो रेडिकुलोपैथी जरूरी नहीं है कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क पैथोलॉजी की वजह से ही क्रिएट हो। अब यहाँ पे वो कहता है कि डिस्क की हाइट जब कम हो जाए, इंटरवर्टेब्रल डिस्क की हाइट, अब वो जरूरी नहीं कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क की हाइट तब भी कम होगी जब प्रोलैप्स हो गया, एक्सट्रूजन हो गया या सिक्वेस्ट्रेशन हो गई, डिस्क की हाइट एज के साथ, डिजनरेशन के साथ भी कम हो सकती है। ठीक है, हमें आगे बात की, और जब डिस्क की हाइट कम होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या कहते हैं कि आपके जो इंट्रोवर्टेब्रल फोरामिना है, क्योंकि डिस्क की हाइट एक्चुअली वो डिस्क है जिसने इंट्रोवर्टेब्रल फोरामिना को ओपन रखा हुआ है, जैसे डिस्क की हाइट कम होगी वर्टिब्रल एक दूसरे के क्रॉस आएंगे तो वो भी इंट्रोवर्टेब्रल फोरामिना क्या हो जाएगा, नैरो डाउन होना शुरू हो जाएगा, सेकेंड कॉज। ठीक है, थर्ड कॉज क्या है, वो कहते हैं कि जी ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, ट्रॉमेटिक इंजरी, स्पाइन को ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है और ट्रॉमेटिक इंजरी के रिस्पांस में इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स आए और उन्होंने इंफ्लेमेशन कॉज करना शुरू कर दिया, तो वही जो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जिन्होंने इंफ्लेमेशन कॉज करना शुरू की है, अब इंफ्लेमेशन का क्या है कि स्वेलिंग जरूर होगी, एडिमा जरूर आएगा, तो जहां पर स्वेलिंग होगी तो वो भी एक्चुअली क्या करेगा, आपके इंट्रोवर्टेब्रल फोरामिना को क्या करना शुरू कर देगा, नैरो डाउन करना शुरू कर देगा। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज क्या है कि जब फेसर जॉइंटेड सेल्स, ठीक है, फेसर जॉइंट्स में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और फेसर जॉइंट में ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाए, ठीक है, जब फेसर जॉइंट जो है वो हाइपर मोबिलिटी में जाना शुरू हो जाए, ठीक है, जो बिल्कुल इनिशियल चेंजेस आई है, तो जब फेसर जॉइंट है वो हाइपर मोबिलिटी में जाना शुरू हो जाए या फेसर जॉइंट के ऊपर डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से लिपिंग स्टार्ट हो जाए या ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाए, तो ये भी एक्चुअली क्या करेंगे, आपके इंटरवर्टेब्रल फोरामिना को क्या करना शुरू कर देंगे, नैरो डाउन करना शुरू कर देंगे। अब क्यों इंटरवर्टेब्रल फोरामिना को नैरो डाउन क्यों करें, इंटरवर्टेब्रल फोरामिना की जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो बनाई फेसर जॉइंट रहा, जो एंटीरियर बाउंड्री है वो बना रहा है आपका इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ठीक है, सो दैट इज व्हाई देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप। अब फेसर जॉइंट अगर फेसर जॉइंट में कोई इशू आया है तो फेसर जॉइंट इटसेल्फ क्या कर सकता है, इंट्रोवर्टेब्रल फोरामिना को नैरो डाउन कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी फेसर जॉइंट में हाइपर मोबिलिटी क्रिएट हो जाए, ठीक है, सही है, फेसर जॉइंट से अगर हाइपर मोबिलिटी क्रिएट हो जाए और फेसर जॉइंट की जैसे हमने बात की हुई, अगर आप लोगों ने बात की हो फेसर जॉइंट की लॉकिंग मैकेनिज्म की, ठीक है, आगे चलते शायद मैं आप लोगों को समझाऊं, फेसर जॉइंट में लॉकिंग मैकेनिज्म होते हैं कि फेसर जॉइंट जो है वो, क्योंकि फेसर जॉइंट की जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं बेटा वहां पर मेनिस्काय प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे नी जॉइंट में मेनिस्कस प्रेजेंट होते हैं ना, लेटरल और मीडियल मेनिस्कस, इसी तरीके से हमारे फेसर जॉइंट में भी मेनिस्काय प्रेजेंट होते हैं और वो मेनिस्काय एक्चुअली क्या करता है, हमारे फेसर आर्टिकुलर सरफेसेस के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस नहीं आने देता, ठीक है। तो ये अब क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग में जाते हैं ना और बैकवर्ड बेंडिंग में आते हैं तो वो मेनिस्काय एक्चुअली क्या करता है, साथ साथ मूव करता है आर्टिकुलर सरफेसेस के, जहां पर वो मेनिस्काय वापस ना आ सके, फॉरवर्ड बेंडिंग से वापस बैकवर्ड बेंडिंग में ना आ सके, तो वहां पे आपका फेसर जॉइंट लॉक हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं कि जी दैट इज लॉकिंग ऑफ द फेसर जॉइंट, ठीक है। और ये मेनिस्काय एक्चुअली इंट्रैप हो जाता है कैप्सुलर फोल्ड्स के अंदर, जिसकी वजह से लॉकिंग होती है, कैप्सुलर फोल्ड, कैप्सूल का फोल्ड होता है, कैप्सूल होता है ना बेटा जॉइंट के अराउंड,
ठीक है, उसका कहीं पर एक्स्ट्रा फोल्ड है वहां पर भी निस्काय अगर फंस जाए, एंट्रैप हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज एन एंट्रैपमेंट और दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू लॉकिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो उस लॉकिंग मैकेनिज्म की वजह से भी वो कहते हैं कि क्या हो सकते हैं आपके फ्रेसर ज्वाइंट, क्योंकि ये फ्रेसर ज्वाइंट क्या हुआ, लॉक होके एक्चुअली हाइपोमोबाइल ही हो गया, वहां पर हाइपर मोबिलिटी थी एक्चुअली जिसकी वजह से वो लॉक हुआ है, वहां पे उतना अच्छा मस्कुलर कंट्रोल नहीं था जो कि एक्चुअली मेनिस्काय को वापस अपनी पोजीशन पर ला सका और वो इंट्रैप हो गया। एक्चुअली दैट इज आवर हाइपर मोबिलिटी कंडीशन। ठीक है, याद रखना है लॉकिंग को ये नहीं कहना कि ये हाइपो मोबिलिटी की कंडीशन है, लॉकिंग तो एक्चुअली एक लास्ट इफेक्ट है, रिजल्ट है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है हाइपर मोबिलिटी की वजह से, वहां पे मोशन फेसर ज्वाइंट की इतनी हाइपर मोबिलिटी है कि वो वापस मिनिस्टर वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ। ठीक है, और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन देयर इज स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। जी बेटा, किसी को पता है स्पोंडाइलोलिस्थेसिस क्या होता है? जी पार्टिसिपेंट्स, स्पोंडाइलो को हटा के पीछे क्या लिखते हैं, ए एन टी ई आर ओ, एंटेरोलिस्थेसिस। और सेकंड टाइप लिखा वो है रेट्रोलिस्थेसिस, आर ई टी आर ओ। ठीक है, आपके दो वर्टिब्रल बॉडीज होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, और इनके दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। वो कहते हैं किसी एक वर्टिब्रा का स्लिप कर जाना, ठीक है, स्लिप कर जाना, बकायदे स्लिप कर जाना। ठीक है, डिस्क जो है बेटा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो कभी स्लिप नहीं करती। ठीक है, ये जो कहते हैं ना कि डिस्क स्लिप हो गई, डिस्क नहीं स्लिप होती, डिस्क में प्रोट्रूजन, प्रोलैप्स, एक्सट्रूजन, सिक्वेस्ट्रेशन, यही पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। डिस्क अपनी जगह से कभी भी नहीं हिलती। हिलता क्या है, वर्टिब्रा मूव हो सकता है, या वो एंटीरियर डायरेक्शन में हो सकता है मूव, या वो पोस्टीरियर डायरेक्शन में मूव हो सकता है। मतलब ऐसा हो जो वर्टिब्रा है वो एंटीरियर या पोस्टीरियर डायरेक्शन में मूव कर जाए, और ये वर्टिकल सेगमेंट में, ये मोशन सेगमेंट में, क्योंकि मोशन सेगमेंट तो एक जॉइंट है ना प्रॉपर, तो ये क्यों ऐसा हो कि वर्टिब्रा जो है वो मूव कर जाए आगे या पीछे वाली डायरेक्शन। वो कहते हैं कि जब पेडिकल या लेमिना का फ्रैक्चर होता है ना, किसका फ्रैक्चर होता है, जब पेडिकल या लेमिना का फ्रैक्चर हो, या जब फेसर ज्वाइंट की कंप्लीट डिसलोकेशन हो जाए, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो वो कहते हैं उस उन चांस वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से या वर्टिब्रा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए ऐसा हो, या वर्टिब्रा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए ऐसा हो। दिस इज कॉल्ड एंटेरोलिस्थेसिस एंड रेट्रोलिस्थेसिस। ठीक है, एंटीरियर डायरेक्शन में हो जाए तो एंटेरोलिस्थेसिस, पोस्टीरियर डायरेक्शन में हो जाए तो रेट्रोलिस्थेसिस। अच्छा, वो कहते हैं ये जो डिसफंक्शन है इट विल कंटिन्यू लाइक अ साइकिल। ठीक है, कंटिन्यूअस एक साइकिल प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि एक्चुअली अल्टीमेटली आपके बाकी सराउंडिंग वर्टिब्रल सेगमेंट्स को, मोशन सेगमेंट्स को इफेक्ट करता जाएगा वन बाय वन। ठीक है, नाउ पैथोलॉजी ऑफ द फेसर ज्वाइंट इटसेल्फ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेसर ज्वाइंट्स। जैसे मैंने पहले बात के साइनोवियल आर्टिकुलेशंस हैं, इनमें भी मिनिस्कस प्रेजेंट होते हैं जिस तरीके से आपके नी जॉइंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि जी ये भी जो मिनिस्काय की इंट्रैपमेंट है ये इसकी सोर्स ऑफ पेन बन सकता है। ठीक है, और तो इसलिए जरूरी है कि फेसर ज्वाइंट की इंट्रैपमेंट से बचने के लिए, या फेसर ज्वाइंट की मिनिस्काय की इंट्रैपमेंट से बचने के लिए आपका कोर मसल का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे वो लॉन्ग ब्रेक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है, वो कहते हैं कि जी एंट्रैपमेंट हो जाना मेनिस्काइस की कैप्सुलर फोल्ड के अंदर,
या सुपीरियर कैप्सुलर फोल्ड या इंफीरियर कैप्सुलर फोल्ड में क्या होना, इंट्रैपमेंट हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज अ लॉग बैक मैकेनिज्म, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ लॉग बैक मैकेनिज्म। और ये यूजुअली जो इंट्रैपमेंट होती है ये तब होती है जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर चुके हैं, ठीक है, और अब आप फॉरवर्ड बेंडिंग से क्या करें, बैकवर्ड बेंडिंग में आ रहे हैं, एक्सटेंशन वाली पोजिशन में आ रहे हैं, तो तब यूजुअली ये जो मेनिस्कस हैं ये सुप्रा कैप्सुलर फोल्ड्स में या इंट्रा कैप्सुलर फोल्ड्स में क्या हो जाते हैं, एंट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं ये तो जो पहले मैंने मैकेनिज्म समझाया ये तो इंट्रैपमेंट का था ना, क्योंकि ये मेनिस्कस जो थे वो क्या हो गए, एक जगह पर फंस गए, दिस इज कॉल्ड एंट्रैपमेंट। ऐसे ही है ना बच्चों, इस सेकेंड मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं इसको एक्सट्रैपमेंट भी बोल सकते हैं। एक्सट्रैपमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो मेनिस्कस हैं वो वापस जॉइंट कैविटी में जाने की वो फेल हो गए, वापस जॉइंट कैविटी में नहीं जा पाए, ठीक है, चाहे पीछे जो भी वजह है, चाहे वो इंट्रैप हो गए, लेकिन वो मेनिस्कस जो है वो क्या कर गए, जॉइंट कैविटी के अंदर नहीं जा सके और जॉइंट कैविटी से बाहर प्रेजेंट है, इसलिए वो कहते हैं इसको एक्सट्रैपमेंट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट एक्सट्रैपमेंट एक्सट्रैपमेंट। जी बच्चों समझ आइए, यस सर, जी सर, अच्छा, फेसर ज्वाइंट की इंजरी हो सकती है, ठीक है, सिंपली कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी है, ट्रॉमेटिक इंजरी डायरेक्टली फेसर ज्वाइंट के ऊपर अप्लाई हो तो फेसर ज्वाइंट जो है उसमें सबलक्सेशन हो सकती है, फेसर ज्वाइंट के कैप्सूल में इंजरी आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं ऑब्वियसली जब भी कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होगी वहां पर इंफ्लेमेशन होगी और इंफ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग प्रोड्यूस होगी और स्वेलिंग इटसेल्फ क्या करेगी आपकी जो इंटरवर्टिब्रल फोरमेन है उनको नैरो डाउन करना शुरू कर देगी और उस नैरो की वजह से आपको रेडिकुलोपैथी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन पीछे प्रीवियस जो कॉज है दैट इज अ फेसर जॉइंट इटसेल्फ, ये फेसर जॉइंट की ट्रॉमेटिक इंजरी है। नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। अब ये सेम टू सेम जो मैंने पहले आप लोगों को बात बताई है कि जी ऑस्टियोआर्थराइटिस फेसर जॉइंट का कैसे डिवेलप होगा, ऐसे डिवेलप होगा कि जब आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में वो कैपेबिलिटी नहीं रही, वो अपनी हाइट को मेंटेन नहीं कर सका इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, ठीक है, और वेट जो कहाँ पर बेयर होना शुरू हो गया, आपके फेसर जॉइंट्स ने बेयर करना शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली वो जो फोर्सेस हैं वो आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिजनरेट करेंगे फेसर जॉइंट के, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और वही वो जो डिजनरेशन है वो ही लिपिंग प्रोड्यूस करेगी वर्टिब्रल बॉडीज की भी और आपके फेसर जॉइंट्स में ऑस्टियोपाइट क्रिएट करना शुरू कर देगी, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं रिमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है, वो कहते हैं फेसर जॉइंट्स में रिमेटाइड आर्थराइटिस ही हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि इसके लिए कुछ कॉमन सेगमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो गए हैं, कि हर सेगमेंट के अंदर रिमेटाइड आर्थराइटिस नहीं हो सकता। जो मोस्ट कॉमन सेगमेंट है दैट इज द अपर वन एक्लांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है, सही है। इसके अलावा C4, C5, C6, ठीक है, वो कहते हैं ये तीन जो सेगमेंट्स हैं यहां पर सबसे ज्यादा जो है रेमेटाइड आर्थराइटिस अफेक्ट करता है फेसर जॉइंट, ठीक है। अब स्पेशली इस जगह के लिए क्यों अफिनिटी है ये कोई रिसर्च नहीं अभी तक बता सकी कि जी रेमेटाइड आर्थराइटिस इन तीनों को ही क्यों ज्यादा इफेक्ट करते, मे बी पीछे जो थ्योरी है दैट इज के जी यहां पर मूवमेंट ज्यादा होती है, शायद इस वजह से रिमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो इन तीन सेगमेंट को ज्यादा इन्वॉल्व करते, लेकिन मूवमेंट और भी ऐसे सेगमेंट है जहां पर ज्यादा होती है उनको इतना इन्वॉल्व नहीं करते। तो नॉट अ क्लियर रीजन बिहाइंड इट के जी रिमेटाइड आर्थराइटिस इन तीनों सेगमेंट को ही ज्यादा क्यों इन्वॉल्व करते। नाउ वो कहते हैं कि जी C4, C5, C1, C2 इसमें जो मोर जो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है वो है एक्लांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है। वो कहते हैं कि रिमेटाइड आर्थराइटिस एक्चुअली क्या करता है, जो एक्लांटो एक्सियल जॉइंट को अगर आप लोग सारे बच्चों याद करो एनाटॉमी का
एक्सियल ज्वाइंट में क्या होता है कि जो एक्सिस का ऑर्डेंटाइट प्रोसेस होता है, ये डेंस होता है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? लेट्स से वो एटलस है, ऊपर और नीचे एक्सिस है, तो नीचे जो एक्सिस का डेंस है वो एक्चुअली एटलस में होता है, और एटलस के एक्चुअली ट्रांसवर्स लिगामेंट उसको क्या क्या होता है, सपोर्ट किया होता है, ऐसे ही स्टेबलाइज किया होता है एटलस के साथ। जी बच्चों बात याद आया? जी सर। तो एक्चुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो डायरेक्टली इस ट्रांसवर्स लिगामेंट को क्या करता है, रप्चर कर देता है, ठीक है? तो जब वो इस लिगामेंट को रप्चर करता है तो C1 C2 क्या हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। कहते हैं कि इस डिसलोकेशन का C1 C2 की ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करेगा, एक्चुअली आपकी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करते हैं और क्वाड्रिक लेजर के चांसेस हैं, ठीक है? तो बेटा हमेशा याद रखना है, ये बात हमेशा याद रखनी है, मोबिलाइजेशन स्पाइन की मोबिलाइजेशन करते हुए ये कुछ बातें जो जरूर पूछनी चाहिए कि जी रिमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट तो नहीं है, एक बात। सेकंडली आप सबको शायद पता हो रिमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट जो है वो यूजुअली स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे रिमेटाइड आर्थराइटिस ट्रीट हो गया, लेकिन अगर उस पेशेंट ने 10-15 साल स्टेरॉइड खाए हैं, तो स्टीरॉइड भी एक्चुअली क्या करते हैं, आपके लिगामेंट्स को, ठीक है, आपकी बोन्स को वीक कर देते हैं, ठीक है? बोन्स में फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, और जो लिगामेंट्स हैं या कैप्सूल्स हैं इनके रप्चर के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो जिस बंदे ने स्टीरॉइड बहुत ज्यादा लिए हुए तो उसमें चांसेस हैं कि आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो क्या कर दे, एक्चुअली अफेक्ट करना शुरू कर दे इन सेगमेंट्स को, ठीक है? जी बेटा बात की समझ आ गई? आ गई सर। यस सर। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द स्पाइन, पैथोलॉजी ऑफ अ मसल। कहते देयर आर कॉमन साइट्स ऑफ लंबर स्ट्रेन। हम स्ट्रेन यूज करते हैं मसल्स के लिए, स्ट्रेन मींस के व्हेन मसल फाइबर्स आर गोइंग टू बी स्ट्रेच्ड, ठीक है? और उस स्ट्रेचिंग की वजह से मसल फाइबर्स में टियर आना शुरू हो जाए, तो दैट इज अ स्ट्रेन। तो वो कहते हैं दिस स्ट्रेन इन दिस मसल इंजरी इज गोइंग टू ऑकर इन द लंबर स्पाइन, दिस इज कॉल्ड लंबर स्ट्रेन। कहते हैं कि लंबर स्ट्रेन की जो मोस्ट कॉमन साइट है दैट इज द एएक क्रस्ट। कहते हैं ये क्रस्ट क्यों कॉमन साइट है, क्योंकि ये क्रस्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मसल जो है वो क्या करें, या वो ओरिजिनेट करें, या फिर वो क्या करें ये क्रस्ट के ऊपर आके इंसर्ट करें। अब वो कहते हैं इनमें जो मोस्ट कॉमन मसल है वो क्वाड्रेटस लंबोरम है, ठीक है? इसके अलावा इरेक्टर स्पाइनाय मसल है, ठीक है? और लंबोडोर्सल फेशिया, जो थ्रैक्पल लंबर फेशिया है, उसकी भी क्या है अटैचमेंट्स, ठीक है? अब आप सबको पता है कि जो थ्रैक्पल लंबर फेशिया है इसके ऊपर तो हर मसल की एब्डोमिनल्स हों, ठीक है, स्पाइन के एक्सटेंसर्स हों, स्पाइन के साइड बेंडर्स हों, रोटेटर्स हों, जितने भी मसल्स हैं उन सबका क्या है डायरेक्ट इफेक्ट है थ्रैक्पल डोर्सल फेशिया के ऊपर। मतलब ये रेपिटेटिव एक्टिविटीज है कि फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है, बैकवर्ड बेंडिंग हो रही है, लेकिन अगर ये फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग किसी वेट के साथ हो, हैवी लिफ्टिंग के साथ हो, तब देर आर चांसेस के जी लंबर स्ट्रेन डेवलप हो सकती है। सेकेंडली वो कहते हैं कि ये ही लंबर स्ट्रेन जो है ये आपके एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल, मतलब के लिए क्रस्ट के ऊपर डायरेक्टली कोई इंजरी हो जाए तब भी लंबर स्ट्रेन जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। सर्वाइकल स्ट्रेन की जो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं वो कौन कौन सी है? कहते हैं सर्वाइकल स्ट्रेन जो है वो आपका यूजली पूरी सर्वाइकल स्पाइन एज अ होल जो है वो इफेक्ट होती है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है? आप सबको इस चीज का पता होगा, लेट्स से स्ट्रेन तो नहीं हम उसको कहते हैं, हम अक्सर रात को सोते हुए बर्फ पड़ जाता है, ठीक है? तो वो यूजुअली क्या करता है, पूरी की पूरी स्पाइन को क्या कर देता है, स्टिफन कर देता है, ठीक है? तो दैट इज व्हाई इसी तरीके से जो स्ट्रेन है, जो टीयरिंग है मसल्स की, ठीक है, ये यूजुअली एसोसिएटेड है व्हिप्लैश इंजरीज के साथ, ठीक है, कि जिस सडन एक्सेलरेशन है और डी एक्सेलरेशन है, ठीक है?
सडन इंफेक्शन हुई है, ठीक है, जो कि कंट्रोल नहीं कर सके कैप्सुलो लिगामेंट स्ट्रक्चर्स या मसल्स, ऐसी अनकंट्रोल्ड फ्लेक्शन होना या अनकंट्रोल्ड एक्सटेंशन होना, ठीक है, उसमें अनकंट्रोल्ड एक्सटेंशन होगी तो फ्लेक्सर मसल्स का स्ट्रेन पॉसिबल है, अनकंट्रोल्ड फ्लेक्शन होगी तो आपके एक्सटेंसर मसल्स का क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है। तो सिंपली वो क्या कहता है, एक्सटेंशन इंजरीज में क्या होता है कि जब वो कहता है कि जी सडन ब्रेक लगे, ठीक है, और आपका और जो ड्राइवर है लेट से या सडन ब्रेक लगे या फिर देयर इज अ क्लैप्स, देयर इज अ कोलिजन ऑफ अ कार, और उसमें क्या हो कि जी जो ड्राइवर का हेड है वो एक्सटेंशन में जाए और उस एक्सटेंशन को रोके कौन, ठीक है, क्योंकि यूजुअली जब वो कहते हैं एक्सटेंशन, हमारी नॉर्मल जो एक्सटेंशन होती है इसको लिमिट करते हैं हमारे आगे के फ्लेक्सर मसल्स, फ्लेक्सर मसल्स क्या हो जाते हैं इनकी लेंथ पूरी हो जाती है तो हमारी एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाती है, या फिर पीछे जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं वो अप्रोक्सीमेट हो जाते हैं तब एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो एक्सटेंशन इंजरी है इसमें क्या हुआ है कि जी जो आपका हेड है वो जाके स्टॉप हुआ है बाय द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थोरैक्स, ठीक है, मतलब कि आपका जो ऑक्सीपिट है वो जाके अगर लेट से कौन क्या चीज स्टॉप करे उसको, आपकी थोरैसिक पोस्टीरियर साइड से आते थोरैक्स बैक अपर बैक अगर आपकी उसको स्टॉप करती है या फिर स्टॉपिंग का मैकेनिज्म बनती है, बैरियर बनती है, तो उसमें वो कहते हैं कि ये एक्सटेंशन इंजरीज हो सकती है, ठीक है। एंटीरियर जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो क्या हो जाएंगे सारे के सारे, उनमें टीयरिंग के चांसेस हैं, वो एक्चुअली स्ट्रेन में जाएंगे, जो आपके पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, आपकी कंप्रेशन के अंदर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अल्टीमेटली वो कहता है कि जब ऐसा खुदा ना खासा ऐसी एक्सटेंशन इंजरी होती है तो जो मैंडिबल है वो यूजली ओपन अप कर जाती है, ठीक है, सही है, वो क्लोज नहीं रहती, ओपन हो जाती है, ठीक है। फ्लेक्शन इंजरीज क्या है कि जी जब आपका हेड जो है वो जाके या जो आपकी ये है मैंडिबल है, लोअर जॉ है, ठीक है, चिन है, जब ये जाके स्ट्राइक करे विद अनकंट्रोल्ड स्ट्रक करे विद द स्टर्नम, ठीक है, और विद एनीथिंग एल्स, ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि जी आपके फ्लेक्शन इंजरीज के चांसेस है। वो कहते हैं जो एक्सटेंसर मैकेनिज्म हैं, जितने भी एक्सटेंसर मसल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टियर्ड हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेन्ड हो जाएंगे, और जो फ्लेक्सर एंटीरियर साइड के ऊपर जितने भी मसल्स हैं वो सारे क्या होंगे, कंप्रेस होने शुरू हो जाएंगे, जितने भी कैप्सूल्स हैं, लिगामेंट्स हैं या ज्वाइंट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे कंप्रेस होने शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जो लोअर जॉ है वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग पोजिशन में चला जाएगा। एक्सटेंशन इंजरी में ओपन अप हो रहा था और इसके अंदर लोअर जॉ क्या करेगा, क्लोज होना शुरू हो जाएगा। जी बच्चों बात की समझ आई है? जी सर। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यहाँ पर आप लोगों की बेटा स्पाइन का रीजन खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को स्पाइन में कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता? Now you have a time, ठीक है, mid तक आप लोगों के पास time है। अब आप लोगों ने mid की तैयारी करनी है और mid की तैयारी में आपके spine पूरी की पूरी involved है, ठीक है। तो बेटा mid की अच्छी सी तैयारी करनी है, ठीक है, और इसको तैयार करना है आप लोगों ने according to what I have teach you, ठीक है, सही है। एक चीज इतनी important चीज ये है कि बेटा books को जरूर पढ़ना है, ठीक है। कैरोलाइन किस्नर की बुक है जो आप लोगों ने थेरापेटिक्स 1 में भी यूज की होगी, अगर नहीं यूज की तो कैरोलाइन किस्नर की बुक है आप लोगों के एलएमएस के ऊपर जो सबसे पहली बुक है उसको मेंशन किया हुआ बोल्ड लेटर्स के साथ, बेटा वो बुक खरीदना है और उसको पढ़ना है, जी बेटा। ओके सर। ओके सर। सर मिड्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? बेटा मिड जून के जो लास्ट 2 वीक्स हैं, ठीक है, दैट Maybe, और शायद लास्ट वीक, ठीक है, okay, आप हो जाएगा, इसलिए अभी से स्टार्ट कर दें मुझे पढ़ना। सर थेरेप्यूटिक्स की कोई असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन नहीं होगी? असाइनमेंट होगी बेटा, असाइनमेंट मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर।
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।